बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन है और ऐसा माना जा रहा था कि अपने जन्मदिन के दिन जब बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी तो इंडिया गठबंधन पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने आज ये साफ कर दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही हैं। क्या अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के पीछे बहन जी की कोई सोची समझी रणनीति है? आगे इस वीडियो में हम इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि इस गठबंधन पर बहन जी ने क्या कहा। यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। कुल मिलाकर बहन जी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सामने एक मुश्किल रास्ता छोड़ दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अकेले ही अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसे दबाव की राजनीति भी समझा जा सकता है। उन्होंने खुद से इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर कोई जल्दबाजी या लाचारी नहीं दिखाई, जिसका मतलब ये है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो उन्हें अपने अलायंस में शामिल करना चाहती हैं तो उन्हें अब बीएसपी को बहन जी की शर्तों पर ही शामिल करना होगा। यानी बहन जी तोलमोल करने की स्थिति में है। इससे बहन जी की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। वो यूपी में मनचाही सीटें ले सकती हैं कि हम तो यहीं पर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अन्य राज्यों में भी लोकसभा सीटें ले सकती हैं। अगर इंडिया गठबंधन दलितों के वोट पाना चाहता है तो वो बहन जी को इग्नोर नहीं कर सकते। बहन जी का वोट बैंक सिर्फ यूपी में ही नहीं है बल्कि पूरे देश में बीएसपी का अपना एक वोट शेयर है। वोट परसेंटेज के हिसाब से बीएसपी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और इंडिया गठबंधन में ऐसी कोई अलग पार्टी नहीं है जिसका राष्ट्रव्यापी असर हो। कांग्रेस को छोड़ दे तो कोई और उनके पास पार्टी नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो जाती है बहुजन समाज पार्टी। इसलिए इंडिया अलायंस को बहन जी के आने से सिर्फ यूपी में ही फायदा नहीं होगा बल्कि पूरे देश में उसका कुछ ना कुछ वोट परसेंटेज बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन की पार्टियों को इसका फायदा हो सकता है। इंडिया गठबंधन भी ये बात अच्छे से जानता है कि बहन जी के बिना उसे दलितों का एक तरफा वोट नहीं मिलने वाला और बिना दलितों को इंडिया गठबंधन की कोई पार्टी शामिल किए वो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मोदी के सामने ज़्यादा टिक नहीं सकती। इसलिए बहन जी इंडिया गठबंधन की मजबूरी हो गई है। लेकिन अगर बहन जी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती हैं तो सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश भर की कई लोकसभा सीटों पर वो निर्णायक भी साबित हो सकती हैं। कुछ सीटें ऐसी भी होंगी जहां भले ही बीएसपी ना जीते लेकिन वो विरोधियों की हार जीत तय करने की स्थिति में होगी, यानी कि वो किंग मेकर बन सकते हैं उस समय पर और वहां पर वो भले ही जीते ना लेकिन हरा सकते हैं। बहन जी अपनी पार्टी और वोट बैंक की कीमत अच्छे से जानती हैं इसलिए वो समय आने पर अपने पत्ते खोल सकती हैं। यानी अभी गठबंधन को ना कहना बीएसपी की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, लेकिन अगर बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी तो क्या इससे बीजेपी को फायदा नहीं होगा? जब एक पत्रकार ने बहन जी से ये सवाल पूछा तो उन्होंने इसका बेबाकी से जवाब दिया। ये कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन बसपा नहीं करती है तो सारा फायदा जो है भाजपा को पहुंचेगा। अब कौन क्या सोच रहा है ये तो आप उन्हीं से पूछे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जितना कांग्रेस बीजेपी वाले ये लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती से तो आपको मालूम है कि इनका अपर कास्ट का वोट हमको मिलने वाला तो है नहीं, इनका बढ़ जाएगा, बीएसपी को फायदा भी हो सकता है। सियासत संभावनाओं का खेल है और भविष्य में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहन जी पहले ही कह चुकी हैं कि राजनीति में कब किसे और किसकी जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने भी रास्ते खुले छोड़े हैं। इसलिए उन्होंने ये ऐलान भी किया कि अगर चुनाव के बाद किसी गठबंधन में वो शामिल होती हैं तो पहले की तरह फ्री फंड में नहीं होंगी बल्कि अपनी शर्तों पर वो सरकार बनाने में मदद करेंगी। लेकिन अब किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर
अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है, लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेंगे, चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में अब पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं। बहन जी ने यह भी बताया कि वो गठबंधन क्यों नहीं कर रही। उनका कहना है कि गठबंधन से दूसरी पार्टी को तो वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बसपा को कोई फायदा नहीं होता। गठबंधन से उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव पर भी करारा वार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश बसपा के लोगों में भ्रम फैलाने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कहा था कि बहन जी सीनियर लीडर है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उन पर बयान देने से मना किया था। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं कि बहन जी के बिना यूपी में इंडिया अलायंस का बेड़ा पार नहीं होगा, इसलिए वो बसपा को शामिल करने पर राजी हो गए हैं। पहले नानुकुर कर रहे थे, लेकिन बहन जी ने दबाव की राजनीति को हवा दे दी है, यानी उन्होंने मना कर दिया कि अभी कम से कम ऐलान कर दिया कि अकेले लड़ेंगी, लेकिन ऑफिशियल क्या अभी आने वाले महीनों में पता चलेगा, वो भविष्य में ही तय होगा। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने ये साफ कर दिया कि वो फिलहाल बार्गेनिंग पावर बढ़ा रही हैं, वो दबाव की राजनीति कर रही हैं। साथ साथ उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, जब नहीं होती थी तो वो चुनाव जीत जाती थी, लेकिन ईवीएम के सहारे अब बीजेपी या अन्य पार्टियां चुनाव जीत रही हैं, गड़बड़ी होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईवीएम के विरोध को देखते हुए ये भी हो सकता है कि जल्द ही कुछ बड़ा बदलाव हो जाए। लेकिन क्या बहन जी ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगी? जब एक पत्रकार ने यह सवाल पूछा तो उन्होंने कह दिया कि सड़क पर उतरना ही जरूरी नहीं होता। अब हर चुनाव में ईवीएम में काफी धांधली व बेईमानी आदि हो रही है, ऐसी ये आम धारणा है, जिसकी खास वजह से अब हमारी पार्टी को भी यूपी सहित पूरे देश में काफी कुछ नुकसान हो रहा है। जरूरी है सड़कों पे उतरना, काम करने के अपने तौर तरीके होते हैं, हर पार्टी के अपने तौर तरीके होते हैं। कांग्रेस का अपना तौर तरीका अलहदा है, बीजेपी का अपना है, हमारी पार्टी का अपना अलहदा तौर तरीका। हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, शायद आपको मालूम नहीं है कि पूरे देश में इस समय हमारी पार्टी के छोटे छोटे कैडर कैंप चल रहे हैं, अकेले यूपी में नहीं देश के अन्य राज्यों में भी, और बंद जगह पे वो कैडर कैंप होते हैं जिसमें पार्टी और मूवमेंट के बारे में उनको डिटेल में बताया जाता है। तो जरूरी नहीं है हम हाउ हल्ला करें जैसे दूसरी अपनी पार्टी के अपने अपने तौर तरीके हैं, हमें दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करनी है। हमारा जो अपना एक सिस्टम है काम करने का, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। बसपा अध्यक्ष ने राजनीति से संन्यास लेने पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद उनके एकमात्र राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, लेकिन वो आखिरी सांस तक बसपा को मजबूत करती रहेंगी। पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उसके बाद से बीच बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। इस किस्म की फर्जी व गलत खबरों से भी पार्टी के लोगों को गुमराह नहीं होना है।
बहन जी ने राम मंदिर उद्घाटन के बारे में भी साफ किया कि उन्हें न्योता तो मिला है लेकिन वहां जाना है या नहीं उन्होंने अभी ये तय नहीं किया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे इसका निमंत्रण मिला है तो और अभी इसका मैंने वहाँ जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। बहन जी ने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को मन लगाकर काम करने की नसीहत दी है और कहा है कि अगर चुनाव में रिजल्ट अच्छा आया तो यही उनका जन्मदिन का गिफ्ट होगा। राजनीति करने का बहन जी का अपना एक स्टाइल है और हो सकता है कि चुनाव के आते आते वो हर किसी को चौंका दे। इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या बहन जी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए, इस पर आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं, हम आपकी राय पढ़ते हैं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।